हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। क्लास 10th साइंस, अम्ल क्षारक एवं लवण। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, रासायनिक सूत्र इसका CSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। यह जिप्सम को लगभग 373 के पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में बन जाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी CSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बन जाता है, यानी कि जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, टूटी हड्डियों की सुरक्षा के लिए प्लास्टर के रूप में पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सुंदर और डिजाइनर छतें और कमरों के इंटीरियर बनाने में किया जाता है। खिलौने और अन्य सजावटी सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी के सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं उन्हें आर्द्र लवण कहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग में दिखते हैं क्योंकि इसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म किए जाते हैं तो ये जल के अणुओं का त्याग करता है और उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। CuSO4 5H2O इज इक्वल टू, ये हाफ H2O, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, गलत लिखा हुआ है, सीधा CuSO4 5H2O इज इक्वल टू हीट कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, 5H2O अलग हो जाएंगे कॉपर सल्फेट से और ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा। लेकिन जब अनाद्र यानी इस कॉपर सल्फेट में जल मिलाया जाता है तो ये वायु में उपस्थित नमी कारण या वायु में उपस्थित नमी के संपर्क मान पे ये पुनः नीला हो जाता है। ओके, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट 5H2O इसका रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट हरा है, FeSO4 7H2O इसका रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा सफ़ेद, Na2CO3 10H2O। जिप्सम सफ़ेद, CSO4 2H2O। चलो अब हम प्रश्न डिस्कस करते हैं। पीओपी का पूरा नाम क्या है? इसके तीन उपयोग लिखिए। पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका उपयोग है टूटी हड्डियों की सुरक्षा के लिए प्लास्टर के रूप में पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सुंदर और डिजाइनर छतें और कमरों के इंटीरियर बनाने में किया जाता है। खिलौने और अन्य सजावटी सामग्री बनाने में भी इसका प्रयोग इसको उपयोग में लाया जाता है। नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, उदाहरण सहित क्रिस्टलन का जल परिभाषित कीजिए। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण CuSO4 5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में 5H2 है, 5 जल के अणु हैं। प्रश्न तीन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है? यह जिप्सम को लगभग 373 के पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। CSO4 2H2O इज इक्वल टू, व्हेन इट इज हीटेड, CSO4 1/2H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5H2O, यानी कि वाटर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्या होता है जब क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है? जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं का त्याग करता है और उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। CuSO4 5H2O इज हीटेड कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O देता है, कॉपर सल्फेट सफ़ेद है। दिस इज़ द करेक्ट, ये इसकी सही इक्वेशन है। ऊपर जो इक्वेशन दी गई है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। प्रश्न पाँच, किन्हीं तीन आद्र लवणों के नाम तथा सूत्र लिखिए। कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिप्सम, इनके फॉर्मूले इनके सामने लिखे हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, जिप्सम CaSO4 एंड 2H2O।